ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और हरियाणा राज्य के थानों में हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज आर्या ने बताया कि थाना गोगावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहन सिकलीकर निवासी सिगनूर को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर हाथ में लिए झोले से 8 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे एवं 2 राउंड मिले। थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने अवैध पिस्टल ग्राम सिगनूर में स्वयं द्वारा बनाकर बेचने के लिए कहा। आने की बात कही मोहर की निशानदेही पर निर्माण सामग्री बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मोहन पर रोहतक हरियाणा में भी हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। महोदय द्वारा अवैध शस्त्र की खरीद परोक्त और इनके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी निर्देश किया गया था, जिसके आधार पर थाना गोगांव में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर इनके द्वारा एक व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसका नाम मोहन पिता अनोक सिंह टकराना सिकलीगर सिगनूर का है, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 नग अवैध देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 1,60,200 है। और इसके बाद इसे और पूछताछ करने पर इसके पास बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। इसके ऊपर हरियाणा IMP रोहतक हरियाणा में 302-307 के अपराध है और सापला जिला रोहतक में भी 307-2527 आर्म्स एक्ट है। यह संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी गोगांव करण सिंह परमार, प्रवीण आर्य और SDOP राकेश आर्य द्वारा की गई है। सभी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।